उस पार्टी ने हमारे लिए अभी पसंद नहीं किया है। अखिलेश नहीं पसंद अखिलेश जी, नहीं अखिलेश नहीं पसंद, नहीं हमको तो राजभर जी पसंद है। नमस्कार, गोरखपुर पोस्ट देख रहे हैं आप और मैं हूँ आपके साथ विक्की सिंह। चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है और लोकसभा चुनाव एकदम सर पर है। तमाम जो नेता हैं वो घर घर जाकर लोगों से वादे कर रहे हैं कि इस बार अगर जीतेंगे तो ये करेंगे। तमाम वादों के बीच अभी हम लोग मौजूद हैं संत कबीर नगर में और पीछे जो है एक जनसभा चल रही है डॉक्टर संजय निषाद की। प्रवीण निषाद आज नामांकन दाखिल किए हैं और हमारे साथ बातचीत करने के लिए थर्ड जेंडर के रूप में समाज में अपना अस्तित्व बनाए रखने वाली लोग मौजूद हैं। इनसे समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर इस बार मोदी जी को 400 पार का जो नारा है उसको कैसे साकार करता हुआ देख रही है। जैसा कि हम लोग खुद जाएंगे, जनता से अपील करेंगे और हम चाहते हैं कि हमारे योगी जी और यहाँ के जो प्रत्याशी हैं सांसद प्रवीण निषाद जी वो जीते और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि वो जीते और हमारी दिल से दुआ है कि वो जीते। अच्छा, महिलाएं पुरुष और थर्ड जेंडर तीनों जो है मोदी जी को योगी जी को जिताना चाह रहा है। थर्ड जेंडर के लिए इस सरकार ने क्या किया पिछले 10 सालों में, एक दो चीज़ जो इस सरकार ने आप लोग के लिए बेहतर काम? फर्स्ट ऑफ ऑल यूपी में जितने भी किन्नर हैं सबकी संख्या 8 लाख है और 8 लाख किन्नरों के लिए हमारी योगी जी ने एक कल्याण बोर्ड का गठन किया है जिसके अंतर्गत ट्रांसजेंडर से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उनमें लोगों को उसमें सुना जाता है और उसका न्याय किया जाता है और बाकी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो गठन किया गया। बाकी राजनीतिक दल में हम लोगों को बुलाया जाता है, हम लोगों को मान सम्मान मिलता है, समाज की मुख्य धाराओं से जोड़ने का कोशिश किया जाता है। तो यही सब है। समाज की मुख्य धाराओं के विषय में बात किया आपने, बड़ी खूबसूरत लग रही है। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि किस तरीके से लोगों के बीच जाते हैं। जब इसके पहले की सरकारें थी जब लोगों के बीच आप लोग जाती थी तो क्या कुछ इस सरकार में और उस सरकार के लोगों के बीच जो डिफरेंस है, जो सोच का डिफरेंस आया, कुछ ऐसा है? सोच का डिफरेंस आया जब लोगों के बीच आप जा रही हैं? अरे आप ही बता दीजिए। लोगों के बीच जब जाती हैं तो कई बार आप लोग को, पहले की हम बात बता रहे हैं, जो सोच चल रहा था अलग तरीके से लोग ट्रीट करते थे, अब किस तरीके का ट्रीट करते हैं मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। बहुत अच्छा समाज की तरह ट्रीट करते हैं वो, आम समाज की तरह ट्रीट करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, घरों में जाते हैं, बहुत अच्छे से हम लोग को इज्जत सम्मान सब कुछ देते हैं। अच्छा, यहाँ आने का क्या मोटिव था? अभी डॉक्टर संजय निषाद ने आपके पास फोन किया, प्रवीण निषाद ने फोन है, किसने कैसे बुलाया? नहीं, हमारी महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष कमला गौर जी, उन्होंने हमें इन्वाइट किया। उन्होंने आपको इन्वाइट? जी जी जी। अभी क्या कुछ समझ में आया, चुनावी चीजें कैसे समझ में आती है, क्या समझ में आता है राजनीतिक माहौल? जी आता है, ऐसा नहीं है, सुनती हूँ आता है, थोड़ा बहुत आता है। तो 400 पार का जो नारा है वो हो जाएगा? जी जी जरूर होगा, जरूर हमारी दिल से दुआ है होगा। देश और प्रदेश की जो किन्नर समुदाय है क्या वो भी पूरी तरीके से एकजुट होकर वोट करने वाला है? क्योंकि कहा जाता है कि देखिए वोट तो एकजुट होकर वोट करने वाला है, हम घरों घरों में जाकर बोलेंगे, हम खुद एकजुट होंगे और जाके मांगने वोट की। जी 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 जी। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है नैना किन्नर, खलीलाबाद। खलीलाबाद जी। तो खलीलाबाद में क्या माहौल दिख रहा है? खलीलाबाद में बहुत अच्छा माहौल दिख रहा है कि हमारे प्रवीण भैया को वोट सारा कमल का पड़ेगा और हमारे प्रवीण भैया आगे जाएंगे और दिल्ली में जाकर के वो उनकी सरकार बनेगी। और आपकी अच्छा, जब भी प्रवीण निषाद जी से मिलने की आपकी इच्छा जाहिर करती है, ये तो चुनावी समर चल रहा है तो ठीक है नेता लोग मिल लेते हैं, लेकिन आमतौर पर आम दिनों में जब कोई समस्या आपको आती है आप सांसद जी के पास जाती है, क्या वो सुनते हैं? हाँ जी सुनते हैं, हम लोगों से प्रवीण भैया बहुत बार मिलते हैं और कार्यक्रम में जाती हूँ तो कार्यक्रम में भी मिलते हैं। वो इज्जत मान सम्मान मिल रहा है? हाँ, जो इज्जत मान सम्मान आज मिल रहा है वही इज्जत सम्मान बहुत पहले भी मिलता है, हमेशा देते हैं इज्जत सम्मान, हमेशा देते हैं। क्या नाम है आपका? दीपिका। दीपिका, तो ये बताइए कैसे देख रही हैं चुनाव? अभी पप्पू निषाद जी भी हैं, प्रवीण निषाद जी भी हैं, दोनों निषाद हैं, निषाद बाहुल्य इलाका है, कैसे देख रही हैं कि निषाद वाला वोट बटेगा या फिर एक तरफा कमल के फूल के साथ जुड़ेगा? नहीं एक तरफा रहेगा, बटेगा नहीं, एक तरफा ही रहेगा। कमल काजल निषाद जी को जानती है कि नहीं? काजल निषाद जी 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 जी। कभी मुलाकात वगैरह हुई? नहीं कभी मुलाकात नहीं हुई, लेकिन उनको मैं जानती हूँ, अभी प्रचार प्रसार वो भी कर रही हैं, कभी जाइए उनके जनसभा में भी। बुलाए नहीं? नहीं वो बुलाएंगी तो मुझे जाना नहीं है। क्यों नहीं जाना आप लोग? क्योंकि उनकी पार्टी ने हमारे जो जिस पार्टी समाजवादी है, जिस समाजवादी पार्टी से हैं उस पार्टी ने हमारे लिए अभी पसंद नहीं किया है। अखिलेश नहीं पसंद? अखिलेश जी नहीं, अखिलेश नहीं पसंद? नहीं हमको तो राजभर जी पसंद है, केवल मोदी और योगी मोदी जुड़ने के लिए और राजभर जी भी। अच्छा राजभर जी में क्या खूबी अच्छी लगती है? बहुत खूबी है, बोलते हैं भोजपुरी में, बोलते हैं, जुड़ जाते हैं लोग आसानी से। चलिए अल्लाह जुड़ने के, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो एक थर्ड जेंडर हमारे साथ मौजूद थे, कई लोग मौजूद थे, आपको ये बातें कैसी लगी, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें।